गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फरवीन राणा व्लॉग पर आप लोगों का स्वागत है भाई लोगों। और भाई तैयारी हो रही है एक ट्रिप की। ट्रिप है दिल्ली से उज्जैन बाय रोड महाकाल बाबा के दर्शनों के लिए। तो अभी महाकाल लोक का भी मोदी जी ने उद्घाटन किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो अभी आज 31 अक्टूबर है, तो एक या दो दिन में मेरी ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी नवंबर में। मौसम भी बिल्कुल प्लेजेंट हो गया अब तो। अभी क्या है कि गाड़ी है ना बहुत सारा काम मांग रही है भाई। एक तो 30,000 किलोमीटर में जो सर्विस होती है वो ड्यू है, जो फोर्थ सर्विस होती है। फर्स्ट और सेकंड सर्विस तो आप लोगों को पता है कि उसमें तो सिर्फ क्लीन फिल्टर क्लीन करते हैं। और जो 15,000 पे थर्ड सर्विस होती है पेड सर्विस, तो उसमें ऑयल चेंज वगैरह होता है। तो वो मैंने करवाया था, तो उसका मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों को खर्चा ही बताया था कि भाई कितना खर्चा आता है। तो जो हैरियर की सर्विस है वो होती है 15,000 किलोमीटर पे या एक साल के अंदर अंदर। तो अब ये 29,000 चल रही है मेरी गाड़ी, लेकिन अभी से इंजन ऑयल का है ना वो भी शो कर रही है। तो कई सारे काम हैं, तो वो सारे काम करवाने हैं ट्रिप से पहले, क्योंकि भाई आप ट्रिप पे निकल रहे हो और वो भी इतनी लंबी ट्रिप, 850 से 900 किलोमीटर है बाई रोड। तो गाड़ी है ना बिल्कुल तैयार करके चलनी चाहिए, रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैं दिखाता हूँ हम लोगों को गाड़ी में क्या क्या काम है, फिर चलेंगे सर्विस सेंटर और आप लोगों को पूरा डिटेल में दूंगा कि जो ये फोर्थ सर्विस है जो 30,000 किलोमीटर पे है इस पे कितना खर्चा आया, और सारी डिटेल आप लोगों को बताएंगे भाई। बाकी भाई चैनल को है ना सब्सक्राइब करो यार एक बार, आप लोग देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर दो भाई, क्या जाता है आप लोगों का आपका भाई इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता है तो सब्सक्राइब। तो गाइस ये है, ये देखो अभी 29,000 चली है, लेकिन ये इंजन ऑयल की लाइट शो कर रहा है बार बार, और ये डेफ फ्यूल भी कम है तो ये भी करवाना है चेंज। तो ये अभी 28,824 चली है, हालांकि 30,000 किलोमीटर पे बोल रहे हैं सर्विस, लेकिन अभी से ही इंजन लाइट दिखाने लग गया है, इंजन ऑयल की लाइट। तो या तो इंजन ऑयल इसमें बहुत कम हो गया है या बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, तो ये अभी करवाते हैं। और टायर भी मेरे को पलटी मरवाने हैं भाई, जो पीछे वाले टायर हैं वो आगे डलवाऊँगा, आगे वाले पीछे, क्योंकि कोई भी गाड़ी है तो अगले टायर ज़्यादा जल्दी खाती है और पीछे वाले थोड़ा कम। तो ये है कि ये आगे वाले पीछे करवा दूंगा और पीछे वाले आगे, तो उससे थोड़ी सी टायरों की लाइफ बढ़ जाती है। तो अभी निकल रहे हैं, मैं अभी रोहिणी हूँ, तो पीरागढ़ी में मैं ट्रू नॉर्थ में करवाता हूँ। तो वहाँ पे हालांकि वो वीडियो नहीं बनाने देते, लेकिन अच्छी सर्विस करते हैं तो यार सर्विस भी ज़रूरी है, जो सर्विस सेंटर अच्छी सर्विस करता है तो वहाँ भी ज़रूरी। तो अभी निकल रहे हैं, बाकी सारी डिटेल आप लोगों को रास्ते में देता चलूँगा। तो गाइस दिवाली गई है, तो आज कल थी छठ पूजा, तो भाई खूब सारे पटाखे वटाखे, हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट तो हर बार बैन ही कर देती है लेकिन लोग काम मानते भाई, और मानना चाहिए भी नहीं भाई मेरे ख्याल से, अपना त्यौहार है साल का तो मनाना चाहिए। लेकिन ये पोल्यूशन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बिल्कुल फोग वोग फोगी फोगी सा हो रखा भाई, तो पोल्यूशन लेवल दिल्ली में बढ़ रखा ज़बरदस्त। कुछ तो ये ट्रैफिक दिल्ली में रहता ही है, जो हमेशा आप किसी भी टाइम निकल लो, सुबह निकलो, शाम निकलो, रात निकलो, संडे निकलो, आज तो खैर मंडे है तो वर्किंग डे है तो इसलिए भी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन ये देखो बिल्कुल ही फोगी फोगी हो रखा है। तो ये कोई फोग नहीं है भाई, पोल्यूशन है। तो भाई इसके लिए तो हम लोगों को भी और सरकार को दोनों को मिलके कुछ करना पड़ेगा। बाकी भाई विंटर आ गई है, नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो अभी स्नोफॉल का वेदर भी स्टार्ट होने वाला है। तो बस अभी महाकाल लोक जाएंगे, उसके बाद सीधा स्नोफॉल के लिए ही जाएंगे, स्नोफॉल देखेंगे। और इस बार भी मैं विंटर स्पीति का प्लान कर रहा हूँ, तो आप लोगों को फिर से हैरियर से विंटर स्पीति लेके जाऊंगा। और जो भी भाई हैरियर वाला विंटर स्पीति मेरे साथ चलना चाहे भाई, मेरे को जरूर मैसेज कर देना, साथ चलेंगे इस बार अपनी हैरियर लेके सारे भाई। और जिसके पास हैरियर नहीं है और कोई सी भी गाड़ी है जो साथ चलना चाहे तो बताना भाई। तो जनवरी या दिसंबर के लास्ट में विंटर स्पीति चलेंगे, उससे पहले मनाली या जहाँ भी स्नोफॉल के चांसेस हो गए वहाँ चलेंगे, पहले अभी सर्विस करवाते हैं इसकी। तो आज का पूरा दिन तो भाई इसी में लगना है। ये देख लो गाइस, ये दिल्ली है मेरी जान, आज मंडे है तो भाई ये हाल है। 5 किलोमीटर में मेरे को 1.5 घंटा हो चुका है आराम आराम से, बढ़िया। कोई बाइक वाले कोई इधर से घुस रहा है, कोई उधर से घुस रहा है, तो भाई बहुत सारे हैं ना मेरे को जो दिल्ली वाले मेरे दोस्त हैं, वो बोलते हैं यार पहाड़ों पे गाड़ी चलाने में डर लगता है। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, जिसने दिल्ली में गाड़ी चला ली ना वो कहीं भी गाड़ी चला सकता है। यहाँ पे भाई कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से, और इतने ट्रैफिक में आप लोग देखोगे ना जिसको जहाँ से जगह मिलती है ना घुसता है, लेकिन इसका भी अपना मजा है भाई ये नहीं हो तो दिल्ली की फीलिंग ही नहीं आएगी। तो गाइज हम पहुँच गए हैं ट्रू नॉर्थ पीरागढ़ी। तो जब मैंने गाड़ी ली ना गाइज, तो है ना बिल्कुल खाली पड़ा रहता था ये सर्विस सेंटर, मैं स्टार्टिंग से यहीं करवा रहा हूँ। और अब है ना भाई पूरी भीड़ होती है, तो टाटा और महिंद्रा की गाड़ी है ना दुनिया भर की बिक रही है भाई,
दुनिया भर की भीड़ लगी रहती है। जब तुम्हें साथ साथ आता था सर्विस करवा ले जाता था। रोक के भाई नंबर डलवाना पड़ेगा। तो गाइस गाड़ी सर्विस के लिए मैंने ड्रॉप कर दी है यहाँ पे और इनको बता दिया है क्या क्या फॉल्ट है। तो ये सर्विस तो होनी है, उसके अलावा डेक फ्यूल डलना है और ये 12 वोल्ट का जो सोकर है ये चार्जर है ये काम नहीं कर रहा है। तो जो मैंने बता दिया है तो गाड़ी अभी शाम को मिलेगी। तो जब तक मैं थोड़ा घूम फिर के आता हूँ, फिर शाम को खुद ही लेके जाऊँगा क्योंकि इनकी पिक एंड ड्रॉप भी है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि खुद आके इनको बताऊँ और कुछ तसल्ली से देख के लेके जाऊँ। तो अभी गाड़ी ड्रॉप करके फिर शाम को बताता हूँ हम लोगों को कितना खर्चा होगा। तो गाइस फाइनली सर्विस डन, गाड़ी बढ़िया चकाचक हो गई है। तो इसमें एक यार ब्रेक शू भी मेरे ख़त्म थे तो डिस्क भी उसकी चेंज हुई है, तो उस लिहाज से खर्चा ज़्यादा ही हो गया इस बार। जो इसकी तीन सर्विस, मतलब पहली जो तीन सर्विस थी, जो पहली दो सर्विसें होती हैं उसमें तो फिल्टर क्लीन होता है, जो थर्ड सर्विस होती है 15,000 किलोमीटर पे उसमें इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है, तो वो पड़ी थी मेरी 11,500 रुपये के अराउंड, तो जो कि काफ़ी रीजनेबल था। लेकिन ये वाली सर्विस भाई बहुत महंगी पड़ेगी दोस्तों। सर्विस के नाम पे 24-25,000 रुपये लग गए भाई, 6,500 रुपये के तो अकेले डिस्क पैड है, जो डिस्काउंट करके इन्होंने मेरे ख्याल से 5,000 या 5,200 के, पता नहीं, मैं बिल में देख के बताता हूँ लोगों कितने हैं। तो खर्चा हो गया बहुत ज़्यादा। और अभी इसको लेके जाऊँगा, इसकी अलाइनमेंट वगैरह करवाऊँगा और जो पीछे वाले टायर हैं वो चेंज करवाऊँगा, क्योंकि कंपनी में थोड़ा कॉस्टली होता है ये। बाहर से ही मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को भी अगर ये अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह करवानी है तो बाहर से करवा लो, ईजिली दुनिया भर की शॉप से वहाँ से करवाओ, कंपनी में बहुत ज़्यादा महंगी है। तो अभी मैं आप लोगों को बिल बताता हूँ कितना है, फिर उसके बाद जाऊंगा अलाइनमेंट बैलेंसिंग और टायर थोड़े से आगे पीछे करवा दूंगा, उससे थोड़ी टायरों की लाइफ बढ़ जाती है। तो गाइस इस पे जो सर्विस पे काम हुआ है ये सारा डेफ ऑयल जो है ये टॉप अप हुआ है। डेफ ऑयल ये होता है जो BS6 डीजल गाड़ियों में होता है, ये पोल्यूशन कम करने के लिए बनाया हुआ है। तो हर बार का ये है, पहले तो सस्ता था, अब ये 1,250 रुपये का है 10 लीटर मेरे ख्याल से या जितना भी है यार, तो ये हर बार का है ही है। तो ये चार्जर पॉइंट, इसमें 12 वोल्ट के चार्जर सॉकेट में कुछ प्रॉब्लम थी, एसी वेंट क्लीन, ये तो ये वारंटी में है, पेड सर्विस में है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ब्रेक ऑयल, एसी फिल्टर, इंजेक्टर क्लीन वगैरह जो भी है, जो भी सर्विस में होता है नॉर्मल, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो ये टोटल कॉस्ट बनती है 12,500 और जो ब्रेक डिस्क ब्रेक मेरे चेंज हुए हैं वो 6,500 रुपये की कॉस्ट थी उसकी, तो डिस्काउंट करके इन्होंने थोड़ा सा 5,000 या 5,200 के अराउंड किया है, तो जो 22,500 है तो डिस्काउंट कर करा के 19,700 से। तो भाई मैं सिर्फ सर्विस के दे के आया हूँ और 5,200 रुपये दे दिए डिस्क ब्रेक के, तो 23,000 हो गए भाई खर्चा हो गया सर्विस में बहुत ज़्यादा। तो भाई ये था 23,000 रुपये के अराउंड मेरे सर्विस पे लग गए, अगर डिस्क ब्रेक नहीं होते तो 19,700 रुपये था टोटल कॉस्ट जो सर्विस पे आनी थी। जाया जाए यार, वैसे इतनी महंगी भी नहीं है, सही पूछो तो 2000 सीसी का इंजन है, हैवी इंजन है, 5 लीटर तो इसमें इंजन ऑयल डलता है, तो 5,300-5,400 रुपये का तो इसमें ऑयल ही है, तो मेरे हिसाब से फिर भी जाया जाए क्योंकि 15,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होती है एक साल या 15,000 किलोमीटर पे। तो ठीक है भाई, अब हाथीपाड़ा है तो भाई उसके खर्चे तो उठाने पड़ेंगे। तो अब एक बार भाई इसकी अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवा के लाते हैं। हाँ मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवानी है तो कंपनी में जो बाहर 400-500 रुपये में हो जाती है, कंपनी में उसके मेरे ख्याल से 1,700 रुपये के अराउंड कॉस्ट थी, 1,050 और 700 रुपये कुल मिला के 1,700 रुपये थे। तो मैंने उनको मना किया, मैं भाई कैंसिल, बाहर करवा लेंगे अपन लोग। तो एक बार वो करवा के आता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोगों। तो भाई एक दो दिन में ट्रिप है, उज्जैन जा रहा हूँ मैं बाई रोड दिल्ली से उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए। तो उससे पहले हालांकि अलाइनमेंट ठीक है, अभी भी देखो मैं हाथ छोड़ के चला रहा हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, लेकिन फिर भी एक बार अच्छा होता है, इतनी लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं तो अगर करवा लें तो वो बेटर रहता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं भाई कि हमारे पास हैरियर है और लेफ्ट साइड पुल करती है, लेकिन मेरे को 30,000 किलोमीटर हो गए 2 साल के अराउंड मेरे को इस गाड़ी को हो गए, मेरे साथ कभी भी भाई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ है। तो मैं लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर है तो टाइमली आप अलाइनमेंट वगैरह अपनी चेक करवाते रहा करो, ज़्यादातर तो अलाइनमेंट की ही प्रॉब्लम होती है वो, अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया MRF टायर सोपी, तो इस पर एक बार करवा लेते हैं भाई अलाइनमेंट और बैलेंसिंग। अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों करनी है भाई, और पीछे वाले टायरों को आगे लगा दियो, आगे वालों को पीछे। यार
हाँ हाँ उसी में, मतलब बैलेंसिंग के लिए निकाल गया तभी कर लिया। तो भाई लोगों ये है ना सबसे ज़रूरी होता है अलाइनमेंट और बैलेंसिंग, नहीं तो एक ही ट्रिप में टायर खा जाती है गाड़ी। ये देखो अपने भाई बिल्कुल चकाचक ब्लैक में यार, मस्त है भाई ये अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ओके और हो जाएगी ट्रिप के लिए बिल्कुल रेडी। 15 इंच के लिए अलॉय भी चेंज होंगे हैं, इसी पे नहीं डल जाएगा, इसी अलॉय पे? अच्छा नहीं, मैं तो ये 18 इंच के आ रखे हैं ना, ये मेरे वाले के टाइम पे 17 इंच के आते थे। चल रही है जी अपनी बैलेंसिंग, वैसे पिछले वाले टायर में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती ना, बोलिए अगले जो सो से ऊपर स्टेयरिंग हिलता है वो अगले टायर वाले से हिलता है ना, अलाइनमेंट जरूरी है अगर बैलेंसिंग करवा रहे हो तो, अगले टायरों की भी आप करवा दो वो भी आना। तो गाइस गाड़ी के अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी हो गई, पूरे 1000 रुपये लगे, उसमें वेट भी डला है काफ़ी। तो ये था भाई टोटल जो खर्चा हुआ है मेरी ट्रिप से पहले 24-25 हज़ार का हो गया। तो अगर डिस्क ब्रेक नहीं होती तो सर्विस में 19,000 और डिस्क ब्रेक 5,500 के, तो टोटल ये हुआ है। तो आप लोगों को भाई हैरियर खर्ची ली लगी या नहीं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी भाई आप लोगों से मिलते हैं ट्रिप पे और महाकाल के दर्शन करवाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोगों को महाकाल बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे, जय बाबा की। तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।